की सरकार नहीं करवाएगी जातीय जनगणना। आप लोगों ने मांग की थी, क्या निराश हुए हैं आप इस बात से? देखिए, जो जातीय जनगणना की बात हम लोगों ने कही है वो बिल्कुल उचित कहा है और उसका तर्क है और उसके बारे में उसका जो लाभ सबको मिलने वाला है, इन सब चीजों की हम लोगों ने चर्चा की है। और आजादी के पहले जातिगत जनगणना थी, आजादी के बाद नहीं थी। हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जब जाति जनगणना होगी तभी लोगों के बारे में पूरी स्थिति जानकारी होगी। तो इसके बारे में और हर जात के बारे में गणना हो जानी चाहिए। तो अगर हो जाती है तो उसके बाद फिर कौन पीछे है उसको आगे करने के लिए आप और बेहतर निर्णय ले सकते हैं। तो इसके चलते इसकी जरूरत है और ये हम लोगों ने शुरू से ही कहा है। अब पिछली बार जो 2011 की बात थी तो उन लोगों ने तो अलग किया ना, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस किया, वो जातिगत जनगणना नहीं थी। वो जातिगत जनगणना के बाद उसके अलावे इन लोगों ने एक सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस की बात सुनी, तो उसमें ठीक से नहीं हुआ। अब वो ठीक नहीं निकला, प्रकाशित भी नहीं हुआ और पता चला कि इसके बारे में सब कुछ नहीं। या अभी कहा जा रहा है कि इतना लाख हो गया, अरे भाई तब किसी से पूछेगा और किस ढंग से पूछेगा, ये सब चीज तो पहले तय कर लेंगे। सरकार क्यों नहीं कह रहे, जातिगत जनगणना अगर होगी तो वो ठीक से होगा और उसके लिए सब चीजें तय रहती है। अब जैसे हम लोग का भी सुझाव है, अब करिएगा, कहीं भी करिएगा तो हर घर में ना सर्वे करते हैं भाई, हर घर से ना पूछते हैं कि कितनी आबादी है, क्या है। जब आप उनसे पूछिएगा जाति के बारे में तो जाति और उपजाति, ऐसी कोई जाति है जिसको अनेक उपजातियां नहीं है? तो कोई अपनी उपजाति ही बोल देता है। तो अगल बगल सब जगह होता है, उनकी ट्रेनिंग होगी, उपजाति के साथ जाति को जोड़ेंगे। तो हम लोगों ने शुरू से कहा यह देखना पड़ेगा कि भाई कौन है, कोई जाति होगी, उपजाति होगी, सबको मेंशन करिए। तो इसको किया जाएगा तो बहुत ठीक ढंग से आ जाएगा। ऐसी कोई जाति नहीं, मैं दोहरा करके इस बात को कहना चाहता हूँ, ऐसी कोई जाति है जिसमें उपजातियां नहीं है? और कोई भी आदमी आप पूछिएगा तो सब लोग जाति और उपजाति दोनों की बात नहीं करेगा, वो कोई उपजाति की बात करेगा। तो ये तो बिल्कुल बहुत ही उपयुक्त चीज है कि इसके बारे में पूरे तौर पर लोगों को जानकारी दे दी गई, ट्रेनिंग कर दी गई और ये सब चीज पूछेंगे। कोई उपजाति बोलेगा तो क्या जाति, अच्छा उपजाति है तो बगल का घर भी तो जानता है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही घर है, कई अनेक होते हैं, तो तुरंत पता चलेगा और वो मिल करके फिर कहेगा कि भाई उपजाति है जाति है। तो इसको लेकर के ये सब चीज ठीक ढंग से हो सकता है। ये कोई कहे कि जो पिछली बार सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस का रिपोर्ट ठीक नहीं है, इसका मतलब जातिगत जनगणना नहीं हो सकती है, ये बात उचित नहीं। सरकार ने मना कर दिया सर, कतई सही नहीं मानते हैं। हम लोगों ने बिहार के सारे पार्टी के लोग, 10 पार्टी के लोग एकजुट होकर के, और आप जानते हैं बिहार में पहले से भी विधानसभा विधान परिषद में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित है और इसलिए इस बार एक बार आकर के हम लोगों ने मिलकर के अपनी बात रखी है, अनुरोध किया है। अब ये जो कोर्ट का मामला है सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस से संबंधित मामला, अब उसके सिलसिले में सारी बातें आई है तो इसका उससे कोई संबंध नहीं है। हम तो यही आग्रह करेंगे कि इस चीज पर ठीक ढंग से विचार करके, पुनर्विचार करके जिसको जातिगत जनगणना कराया जाए, हम लोग तो यही चाहेंगे।